हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर कुछ ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 मिनट में पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर इसके अंदर मैं कवर करवा दूंगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है, चाहे कोई स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, आईएएस के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये नहीं है कि एक ही पॉइंट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पर जो है 3 4 पॉइंट बनाकर क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसमें से एक स्टेटमेंट वहां पर आपको मिल सकती है। और इसके अलावा अगर कोई वन डे एग्जाम है, चाहे कोई पुलिस का एग्जाम है या फिर कोई भी एसएससी का एग्जाम है, उसके अंदर ये डायरेक्ट जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से बनता है और आपको किस तरह से वो क्वेश्चन हल करना है। प्रमुख चैनल जल संधि या फिर जल डमरू मध्य, तो ये कुछ नाम है और यहाँ पर विभाजित क्षेत्र है। तो जैसे वहां पर एग्जाम में पूछा जाता है, 8 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल किन दो चीजों को विभाजित करता है? तो मालदीव और मिनी को है कोई बीच आपका 8 डिग्री चैनल है। भारत के अंदर ये मालदीव और मिनी कॉय जो है, मालदीव और मिनी कॉय के बीच कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। उसके बाद बात करते हैं 9 डिग्री चैनल की। 9 डिग्री चैनल मिनी कॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। तो देख सकते हैं पहले आप 8 डिग्री चैनल है वहां, उसके बाद 9 डिग्री चैनल है, यहाँ पर मालदीव है, यहाँ पर मिनी कॉय है और यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो यहाँ 8 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल, तो मालदीव और मिनी कॉय के बीच 8 डिग्री, मिनी कॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर 6 डिग्री चैनल देख लीजिए, ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के मध्य है। ग्रेट निकोबार जो ग्रेट निकोबार है और सुमात्रा आइलैंड कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सुमात्रा आइलैंड किस कंट्री के अंदर है, तो सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया में है। 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के अंदर है। और एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फ्री में लेक्चर सीरीज चल रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसमें इंपॉर्टेंट लेक्चर्स करके लिंक है, वो आपको मिल जाएगा। डेली प्रैक्टिस कीजिए, फ्री लेक्चर सीरीज, आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर 9896160956 इस पर कॉन्टेक्ट करके किसी भी एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल पेड रहेगा लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट स्टडी मटेरियल है, आपको उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम प्रोवाइड करवाएंगे, बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है। जितना हम प्रोवाइड करेंगे आपको उतना ही पढ़ने के बाद सक्सेस मिल जाएगी। कंडीशन ये है कि आपको सारी चीजें अच्छी तरह याद होनी चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान और निकोबार के बीच में है। 10 डिग्री चैनल जो है कई बार तो ऑप्शन दे देगा अंडमान और निकोबार, अगर घुमाना हो तो क्या करेगा, लघु अंडमान और कार निकोबार दे देगा। लघु अंडमान और कार निकोबार, ध्यान रखना 10 डिग्री चैनल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। और एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप समूह है? तो टोटल 542 है। ग्रेट चैनल, यहाँ पर कुछ छोटे और कुछ बड़े द्वीप समूह है, 542। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल किन दो जल विभाजित क्षेत्रों को विभाजित करता है? तो ग्रेट चैनल जो है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य है। जो ग्रेट चैनल है वो किन दो चीजों के बीच में है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में है। नेक्स्ट है पाक जल संधि, तो ये किन दो देशों के बीच में है? भारत और श्रीलंका के अंदर या फिर तमिलनाडु और जाफना प्रायद्वीप। तो जाफना कहाँ पर है? जाफना श्रीलंका के अंदर। ये क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर पूछा गया था। कोको जल संधि, कोको जल संधि कहाँ पर है? अंडमान और कोको द्वीप के अंदर। कोको द्वीप कहाँ पर है? कोको द्वीप म्यांमार में है। ये मैच द फॉलोइंग में आया हुआ क्वेश्चन है, ये यूपी पीसीएस के अंदर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोको द्वीप म्यांमार में है, ये निकोबार भारत के अंदर है, सुमात्रा इंडोनेशिया के अंदर है, और एक और दे रखा था वो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा वो किस देश का था, वो भी यही हमारे आस पड़ोस का ही था। तो वहां पर क्वेश्चन पूछे गए थे, ध्यान रखना। कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप के अंदर है, कोको जल संधि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य है, ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य है, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के मध्य है, 6 डिग्री ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड के बीच में है, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है, और 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच में। तो आप इसको एक से दो बार खुद के हाथों से लिख के देख लीजिए, एक बार मैप जरूर देखना। मैप देख लेंगे तो और भी आपको आसानी हो जाएगी। मैप के ऊपर 8 डिग्री 9 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री ग्रेट चैनल पाक जल संधि और कोको जल संधि, ये सारी चीजें अच्छे से दिखाई गई हैं। तो मैप देख लेना, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसमें से आपको एक क्वेश्चन या फिर 2 नंबर जरूर पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे चैनल पर आइए, डेली ऐसे छोटे छोटे वीडियोज अपलोड की जाती है जिससे आपको किया आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो जरूर देखा कीजिए, उससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।